हरदोई पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के टप्पेबाज गिरोह के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए एक बदमाश के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला है। पकड़े गए बदमाश मुरादाबाद मरैठ आगरा के पते पर रहते थे और पूरे प्रदेश में टप्पेबाजी चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से 14 मोबाइल 36,000 रुपए और एक विदेशी मुद्रा रियाल भी बरामद हुई है। एसपी राजेश द्विवेदी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में टप्पेबाजी की घटनाएं हो रही थी जिस पर पुलिस की नजर थी। इस गैंग को पकड़ने के लिए कोतवाली शहर पुलिस के साथ ही एसओजी टीम को लगाया गया था। रविवार की रात मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन हरदोई में माल गोदाम गेट चौराहे पर टप्पेबाज और चोरों का शातिर गिरोह इकट्ठा होकर भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी कर बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे गैंग का राजफाश कर दिया है। साथ ही बांग्लादेश के मदारीपुर थाना सीप 4 सीलापुर निवासी व वर्तमान में सीलमपुर दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद शाह आलम के साथ ही मरैठ की गेठोर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के चंद्रशेखर आगरा की रघुवीर विहार कॉलोनी के मोहम्मद खेरुल निजी पत्नी शाहिद अली मथुरा के यमुना पार थाना क्षेत्र के लोहवन के मोहम्मद मिंटू और उनकी पत्नी हमीदा के साथ ही एक किशोरी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों बांग्लादेशी करीब 15 साल से भारत में ही रह रहे थे और अभी हाल ही में शहर में 3 घटनाओं के साथ ही पाली और बिलग्राम में भी इन लोगों ने ही टप्पेबाजी की थी। गिरफ्तार किए गए 3 बदमाशों की बांग्लादेशी होने की पुष्टि हो गई है। बाकी अन्य बदमाशों के भी बांग्लादेश से तार जुड़े हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपना फर्जी पता बनवा रखा था। ये जनपद में कोतवाली शहर में 9 लोग पकड़े गए हैं जिसमें से एक बाल अपचारी है। इन लोग का जो है बांग्लादेशी होना ज्ञात हुआ है। एकाध लोग का बांग्लादेश में वैवाहिक संबंध भी ज्ञात हुआ है। इनके पास से 33,600 रुपये रियाल जो कि विदेशी मुद्रा है, मोबाइल फ़ोन का भारी संख्या में, वह एक बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये इसी प्रकार बांग्लादेश से आकर और विभिन्न प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सामूहिक रूप से या तो टप्पेबाजी करते थे या चोरी की घटनाएं करते थे। हमारे जनपद की भी 5 घटनाएं इनके द्वारा स्वीकार की गई जिसकी बरामदगी की गई है। एक घटना में इनके द्वारा जो है चेन चोरी की गई थी, वो अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। एक अभियुक्त अभी इसमें फरार है, उसको पकड़ करके शीघ्र बरामदगी की जाएगी। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।